स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों आज शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दो महत्वपूर्ण मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं दिल्ली और केरल के बीच में जो मैच होने वाला है उनका डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। कहाँ से देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, कौन कौन क्रिकेटर शामिल होगा, किसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा के साथ मुंबई टीम के बीच में जो महामुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो शुरू किया जाए जहाँ पे मैं दिल्ली और केरल के बीच में जो महामुकाबला होगा वो महामुकाबले में दोनों टीम का जो जो मेन और महत्वपूर्ण क्रिकेटर है उनके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इससे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताइए दिल्ली ना केरल इन दोनों टीम के अंदर आप कौन सी टीम को समर्थन कर रहा है। दोस्तों आप शिखर धवन को ना संजू सैमसंग को अच्छे क्रिकेटर मानते हैं और अपना फेवरेट क्रिकेटर मानते हैं ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज दोपहर 12 बजे से हॉटस्टार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप ये मैच को देख सकते हैं। ये मैच दोस्तों मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में दिल्ली टीम का महत्वपूर्ण क्रिकेटर में जिसके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए वो है दिल्ली टीम का कप्तान शिखर धवन। दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे पहले दिल्ली टीम ने दो मुकाबला खेला है और दोनों ही मुकाबले में दिल्ली टीम को भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार क्रिकेटर और दिल्ली टीम का कप्तान शिखर धवन ने अच्छे कप्तानी करके विजेता बनाया है। ना केवल बैटिंग में साथ में अच्छे कप्तानी का स्किल धवन ने ये टूर्नामेंट में दिखाया है। साथ में दोस्तों कंटिन्यूसली अच्छे रन करने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टार क्रिकेटर नितेश राणा के ऊपर आपके नज़र होना चाहिए। स्पेशली दोस्तों पहले मैच में मुंबई के खिलाफ नितेश राणा ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाया था, 200 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था। तो जरूर इस मैच में भी नितेश राणा अच्छे करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों यहां पे ऑलराउंडर की बात किया जाए तो पवन नेगी भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। साथ में भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार बॉलर ईशांत शर्मा इस श्रृंखला में काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। केरला टीम की बात की जाए तो दोस्तों केरला टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले दो मुकाबला केरला टीम ने खेला है, एक मुंबई के खिलाफ मैच में भी उन्होंने इस टीम ने 8 विकेट में जीत दर्ज किया था। दोस्तों स्पेशली इस टीम का जो ओपनर है जिन्होंने पिछले मैच में लाजवाब शतक ठोका था, 53 गेंदों का सामना करते हुए 137 रनों का पारी खेला था, मोहम्मद अजहरुद्दीन नाम का इस लड़के के ऊपर सबके निगरान है। दोस्तों बता दूं इस मैच के यहाँ पे ये हीरो साबित हुए थे। साथ में दोस्तों केरला टीम का कप्तान संजू सैमसंग भी बहुत ही शानदार फॉर्म में है, लगातार मैच में अच्छे रन बना रहा है। पहले मैच में भी संजू सैमसंग ने केवल 12 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन का पारी खेला था। हालांकि दोस्तों इस मैच में आपको और भी दो क्रिकेटर के ऊपर ध्यान होना चाहिए। एक था नाइट राइडर्स का T20 टीम में खेलने का अनुभव रखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का भी अनुभव है, ये रवीन उथप्पा भी बहुत ही लंबे पारी खेल सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस टीम के अंदर एस श्रीशांत जो दो बार विश्व कप विजेता टीम का क्रिकेटर है तो उन्होंने भी पहले मैच में ही एक सफलता हासिल किया था, इनके ऊपर भी सबका निगरान सबका नज़र है। साथ में दोस्तों ये मैच में अच्छे प्रदर्शन करने के लिस्ट में जे सक्सेना भी है जिन्होंने दो मैच में अभी तक 7 विकेट अपने नाम कर चुका है। स्पेशली दोस्तों शिखर धवन और संजू सैमसंग का कप्तानी के साथ साथ बैटिंग का भी एक बहुत ही शानदार लड़ाई इस मैच में आप देख सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इस मैच में आप कौन सी टीम को समर्थन कर रहे हैं और कौन सा टीम जीतेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है।